तो इसमें 2.25 इंच लंबी और 1.25 इंच चौड़ी छेद करनी है। तो इस तरह से मैं बड़ा मशीन से ही काम करता हूँ। तो हमारा छेद जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें घाट बना के देखते हैं। हमारा जो लकड़ी है वो 2.25 बाई 2.25 की है और 1.5 इंच की ब्लेड को मैंने ऊपर रखा है। तो बीच में 1.25 इंच का घाट बनाना है जितना कि होल किया था। तो कट गया है, इसका साइड में कटिंग करते हैं। हमारा ये तैयार हो गया है। इस तरह से तो अब इसको सब लकड़ी को जोड़ लेते हैं। टोटल 5 लकड़ी इसमें जुड़ेगी। भी कोल अच्छा से लगा लेनी है। और ये जो लकड़ी है दोस्तों, ये पुराना लकड़ी था, कम से कम 40 साल पुराना लकड़ी है, छत से निकला हुआ लकड़ी है। जैसे कि खपरा होती है ना, वो खपरा वाली घर का लकड़ी था। और ये लकड़ी जो है जामुन लकड़ी का है। तो इस तरह से इसको क्लैंप से सिकंजा करके इसको आप कील लगाएं ताकि काफी मजबूत रहेगा। तो हमारा जो ये स्क्वायर है वो 23 इंच बाई 24 इंच का है। तो 24 इंच चौड़ाई में रखूंगा और हाइट जो है इसकी वो 23 इंच में रखूंगा। और जो मैंने ये बीच में जो लकड़ी दिया है वो लकड़ी नीचे से 13 इंच में है और 1 इंच का लकड़ी ऊपर से लगेगा, तो 14 इंच का हाइट में होगा। यहाँ मैंने नट बोल्ट से जाम किया है। बीच में भी क्लैंप लगा लेंगे। हेलो दोस्तों, उराव फर्नीचर में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, इसे बनाना काफ़ी आसान है, तो मैं फुल वीडियो नहीं बनाना पाया है कि इसको अभी ही डिलीवरी देनी है। तो इसका मेजरमेंट मैं बता देता हूं कि मैंने इसे कैसे कैसे बनाया है। और ये जो लकड़ी है, जो पुराना लकड़ी है, ये लकड़ी जो है पुराना लकड़ी हमें दिया था। देखिए कील, कितना सारा कील लगा हुआ है। और ये छत में लगा हुआ लकड़ी था, छत में लकड़ी लगा हुआ था। तो इसका मैंने अंदर अंदर रखा है, पूरा अंदर अंदर 63 इंच है, जो सोफा रहता है उतना ही बड़ा बनाया हूँ। और इसकी चौड़ाई में इसकी कम रखा, इसको मैंने 2 फीट रखा है। और इसका हाइट मैंने 23 इंच ही रखा है, 23 इंच रखा है इसका हाइट। और पीछे यहाँ से यहाँ तक मैंने 33 इंच ही रखा है। ये 33.5 इंच सोफा में भी इतना ही रहता है।
और मैंने यहाँ से इसका हाइट रखा है 14 इंच, 14 इंच, इसका तो बता दिया था 23 इंच। लकड़ी की साइज जो हमारा है 2.5 स्क्वायर में है, स्क्वायर में है 2.5 बाई 2। और ये लकड़ी जो है हमको जो साइज का मिला उसी साइज का मैंने लगा दिए, कस्टमर ने लकड़ी दिया था, पुराना लकड़ी है, उस तरह से है। आप भी बना सकते हैं मेजरमेंट देख के। और जो हमारा यहाँ से ये जो आ रहा है लगभग सीट की साइज 19 इंची का है, 19 इंची चौड़ाई में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।